कमजोर कौन कर दिया उसको, तुम लोगों ने करे। हाँ। और उसके क्या बोलते तो जिसने जादू करा उसने किस चीज में लाके खिलाया था बच्ची को? उन्हें हाँ। सालन का सालन था वो था। अच्छा चलो इसको जकड़ के रखो तेजी के साथ में, इसको जला कर राख करने की तैयारी करो, तो सब नस नस में से उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। और तू क्या कर रहा है बच्ची के साथ में, मार के तू उसको साथ में ले जाने वाला है? हाँ। तेरी इसकी शादी करा के छोड़े। हाँ। शमशान से। हाँ। क्या कर रहा था उसको मारने का था? उसको जिंदगी खराब करने की। अच्छा तू औरत है, तू आदमी है, मरे आला कौन है? मैं एक लड़का हूँ जवान। अच्छा मरे आला है। हाँ। कहाँ मरा था? पिपल गो। अच्छा कितना टाइम हो रहा तुम मर के? तीन साल। मरने से पहले क्या नाम था तेरा? महेश। अच्छा अभी बच्ची को क्या कर रहा था तू? उसको जिंदगी खराब करने था। औरत मर्द में लड़ाई लगा रहा था, उसका नाम खराब कर रहा था, सब मालूम है मेरे को कमीने, तू बता तेरे जबान में तो रिकॉर्ड दूंगा पूरा। हाँ और क्या कर रहा था? उसको नजदीक में आम दे रहा था, बिस्तर में होम दे रहा था। हाँ और उसके पीछे लगा था मैं। दोनों औरत मर्द को करा दे रहा था तोड़ाने की तैयारी। हाँ और एक बात बोल कि वो जो बच्ची है तो उस पे जादू करते टाइम पे उसका क्या लिए थे, बाल चप्पल मट्टी कपड़ा क्या लिए थे? उसके डायपर की मट्टी। अच्छा और तुझे नाम नहीं पूछा मैं, अभी तुझे नाम नहीं पूछा मैं। हाँ। सिर्फ मुझे इतना बता कि वो लोग किधर के थे, उसके ससुराल के तरफ के या मायके के तरफ के जादू करने वाले? वो पैसा दोनों आते दोनों तरफ के है। हाँ, अच्छा अच्छा करने वाली औरत है कि आदमी है? हाँ नाम आने पूछा मैं, खाली बताओ करने वाले दोनों तरफ से मिलते जुलते रिश्ते में है? हाँ। तो फिर ये बता कि वो औरत है आदमी है कि आदमी औरत दोनों मिले आले? वो तीन है, आदमी औरत दोनों। अच्छा हाँ। और ये बच्ची का क्या लग गया था जादू करते टाइम पे? अच्छा हाँ। और उसको क्या करने का था, मार देने का था क्या फाइनल तोड़ा के? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा और घर के लोगों को परेशान करने का था, मारने का था, बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड करा के? सुसाइड करा के, सुसाइड करा के मार दो बोले। अच्छा दूसरी बात कि वो बच्ची बाहर से मोटी ताजगी दिख रही, अंदर से कमजोर कमजोर कौन कर दिया उसको, तुम लोगों ने करे? हाँ। और उसके क्या बोलते तो जिसने जादू करा उसने किस चीज में लाके खिलाया था बच्ची को? उन्हें हाँ। सालन का सालन था वो था। अच्छा चलो इसको जकड़ के रखो तेजी के साथ में, इसको जला कर राख करने की तैयारी करो, तो सब नस नस में से उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। और तू क्या कर रहा है बच्ची के साथ में, मार के तू उसको साथ में ले जाने वाला है? हाँ। तेरी इसकी शादी करा के छोड़े। रात में उसके अंग पे लौट रहा। हाँ, हाँ? और पीछे से गर्दन में दांत गड़ा के खून भी पी रहा उसका। हाँ, हाँ? हाँ, चलो इसको बन के डालो, इसको नाला इसको जंजीरा डाल के इसको सब जला के राख करने की तैयारी करो। जाना तो तेरे बाप को भी पड़ेगा, तेरे को सब बाहर निकालेंगे हम हमारे तरीके से अमल करा के। और दूसरी बात दूसरी चक्कर में सब याद करके आना, सारे नाम अभी अभी नहीं पूछा मैं, दूसरी चक्कर में पूछूंगा। चल कमीने सब याद करके आ, जब तक इसको बन के डालो। क्या नाम उसका? हिना। हिना भी क्या? अरे क्या वो ऊपर देखो पानी पानी डाल छोकर सुन करो, ये पानी सुबह शाम दो तीन टाइम क्या मारो मारते मुंह पे मारते रहना, सुबह शाम सात बार तेल कुर्सी सात सात बार चारों कुल पड़ के दम करना और ये पिलाते रहना। सुने ना क्या क्या लगा वाला ढक्कन लगा।
ये जो मसला है ये खुद ब खुद आने वाला नहीं है, ये पीपल के पास कोई बोल रही थी, उशय बोल रही थी अंदर जो थी, तो मरा था एक्स वाई जेड, उसको पकड़ के जादूगर ने उठा के करके ला के बच्चे के आगे छोड़े। इसके इधर जो निकला वो सुना रहा हूँ मैं कैमरे की तरफ, तो जो करने वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, शैतान बोल रहा अंदर का जो मरे वाला जिसको जहाँ से पकड़े थे, तो उन्हें क्या बोला, उन्हें कहा मारा था उसको पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला मैं पीपल गांव के आसपास कुछ एक्स वाई जेड एक्सीडेंट हो गया, कैसा मारा था वहां के तफसील में पूछेंगे। तो उसको उन्होंने क्या करे पकड़े, और पकड़ के जादूगर ने उन लोगों ने इसके आंग में डाले। जादूगर उधर के कौन से एरिया के आसपास का बाद में पूछेंगे। और दूसरी बात के वो शमशान से पकड़े थे उसको, बच्ची के पैर के नीचे की मट्टी लेकर गए, उन्हें ऐसा बता रहा, और भी क्या क्या चीजें ले गए, कहीं खिलाए करे, क्योंकि ये खुद ब खुद लगा हुआ नहीं है, लगा हुआ अलग रहता, कट के मर के जल के मरे आला कट के, या जो भी खजाने पे वाला एक्स वाई जेड वो अलग रहते, वो निकाल के खबीस फीस जो भी रहा वो एक मिनट बाहर फेंक देते। ये जो है तो ये पैदा करके जागरूक करके उठा के ला के छोड़े आला है, ये फिजिकली टच भी करता, परेशान भी करता रात में पेशेंट को, और उसको बहुत ज्यादा ओवर परेशानियां करता, मैं बयान नहीं कर सकता परेशान है। और उसके बाद में उसको क्या करता, लास्ट में मार के साथ में लेके चल जाता, और उसको खुद ब खुद नहीं आता, शादी करा के छोड़ते, तो उन्हें बोलता कि ये मेरी बीवी है, दोनों मियां बीवी में जमने नहीं देता, ऐसे झगड़े लगाता कि तलाक के नौबत तक ले जाता, जो नई भी दिखती वो दास्तान दिखाता, बोलता कि इसका ऐसा छे ही नहीं, ऐसी जो है खराब भी छो जारी एक कुछ भी, ऐसे झूठे सच्चे इल्जाम लगा के तलाखा करा देता वो उन्हें करता अंदर बैठ के, ये हरकत है, और मियां बीवी की जमने नहीं देता। बहुत राज है वो, बहुत सारे बातें वो, इंशाल्लाह आगे वक्त आने पे पूरा खुल के तफसील में और भी बताऊंगा नामों भी माओ लोगों के। मगर मेरी एक ही बात रहती लोगों से कहना कि ऐसे तुम हरकतें करेंगे, दूसरों के घरों को गर्म पानी उस जलेंगे, एक दूसरे पे जादू टोने करेंगे, तो फिर तुम क्या मुसलमान है क्या, तुम क्या मोमिन बंदे है, तुम जहन्नुम के ईंधन बन जा रहे लोगों, समझो बाजाओ ये सब चीजों से। और जो बोलते ना कि क्या बोलूं, कुछ बयान करने को आते नहीं, मगर तुम लोग ऐसा सोचना कि ये नहीं करना, ऐसा तुम्हारा दुआ और बद्दुआ का दो बड़े हथियार दिया अल्लाह ने, कोई सतारा तो उसके बद्दुआ करो, कोई तुम्हारा खुश चीज दे रहा तो उसको दुआ दो, ये सबसे बड़ी चीज है ना। तुम अगर ऐसी हरकतें करेंगे, तुम अगर एक दूसरे पर जादू टोने करेंगे, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तुम हम में से नहीं है, तुम हम में से नहीं है, तुम हम में से नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए, हदीस के अंदर पढ़ो तो तुमको पता चलेगा, फिर तुम्हारी शफात कौन करेगा, किस करने जाते तुम शफात करने, हशर के दिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते, ईसा के पास जाते, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते, अरे सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आके शफात करा के लेने वाले, वो सब बोलेंगे जा मियां हमारे पास कहाँ रे शफात को, हम ही खुद परेशान है। मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैंने एक बुक्का मार के एक इंसान को मार दिया था, हलाक कर दिया था, वो दो जनों में काफिर में एक मुस्लिम में जंग चल रही थी, तो वहां पे उन्होंने जाके उसको बुक्का मारे थे, वाकया पढ़ो पता चलेगा उन्होंने मर गया था, तो कहा मुझे बस से अल्लाह पकड़ मिले ताकि बोल के। आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैंने गंदुम खाया था, कहा मुझे बस से अल्लाह पकड़ मिले ताकि बोल के, सब लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बख्शा के ले जाएंगे अपने आप को। फिर तुम किस करने जाने वाले बख्शाने का, तो शैतान के पास जाएंगे क्या, फिर जाओ उसके साथ में उसकी गेंग बन के जानूम में, तो इसलिए मत करो ऐसे हरकतें। दुआ हदीस इबादत ये चीजों की रस्सी को मजबूती से थामो, और दुआ मोमिन का हथियार रखा अल्लाह ने, इबादत करो, कुरान याद करो। ऐ इंसान तू दुनिया में इतना मगन होगा, तू मोबाइल चलाना सीख लिया, तू कौन कौन से जबाना पढ़ना सीख लिया, सब सीख ले रहा, मगर तुझे कुरान पढ़ने नहीं आ रही, बड़ी शर्म है भाई। जितने 100 लोग आते मेरे पास, 100 में से तो 85 लोग तो ये जो बोलते हैं हम अभी नहीं सीखे, सीखेंगे उम्र रसीदा लोग, अरे क्या सीखने वाले, खबर में जाने के बाद सीखते क्या, अभी भी टाइम नहीं मिल रहा तुम्हारा कुरान सीखने को। कुरान सीखो, हदीस सीखो, नमाज सीखो, हर चीज का सही तरीका सीखो, खबर में जाने के बाद तुम पछताएंगे फिर बहुत बुरा, फिर बोलेंगे कि हाय हाय अल्लाह काश हम दुनिया में सीख लेते थे तो फायदे में रहते थे। हाँ तुम ये बात और है कि तुम सीखते सीखते अगर दुनिया से पर्दा हो गए, मर गए, इंतकाल कर गए, तो तुम्हारे कोई पूछ नहीं होंगी उस बारे में फिर, क्योंकि तुम सीख रहे थे ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को उस बारे में मत पूछो, तो सीख रहे थे, सीखते सीखते मैं उसको 1000 साल की उम्र देता तो पूरा हाफिज खारी बन जाता था, तो इसलिए तुम सीखते सीखते रहो, ताकि तुम्हारी कायदे में भी अटक के दुनिया से रुखसत हुए तो तुम उस बारे में पूछ नहीं होगी। बहुत बातें कहने के लिए मैं क्या बयान करूं, मेरा तो तुम्हारा देख के हरकतें सब ऐसे ये काम नहीं करता दिमाग, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम एक दूसरे के ऊपर, वबाओं में बलाओं में तुम खुद घिर जाएंगे। बहुत सारी बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मेरे को अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना, तुम्हारा जो अभी समझाते बैठू मई, बट इन शॉर्ट में बता दिया, बाकी सब आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। कहां से आए थे, कलम जिला उस्मानाबाद।